माननीय विधायक जी, अमित कागजी जी, इंदिरा जी, भाई अनिल चोपड़ा जी, भाई गिगराज जी, हमारे मदन मेघवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी बाबूलाल बैरवा जी को न्याय दिलाने के लिए उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, ये सरकार जब से आई है एक बात तय हो चुकी है, ये सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए और एक जो डिमांड है, सिंपल डिमांड है कि आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, इसमें इनके क्या इतराज है? जांच ही तो करनी है ना, जांच पुलिस करे, सीआईडी करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो परिजन मांग कर रहे हैं, समाज मांग कर रहा है कि आप सीबीआई की जांच करा दो, तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देनी चाहिए, दिल्ली बात कर लेनी चाहिए, इनकी सरकार है, एक मिनट में ऑर्डर हो जाएंगे, कल से मामला सीबीआई के अंदर चला जाए। लेकिन इसके पीछे कारण है, सरकार उन लोगों को बचाना चाहती है, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है। मंशा ठीक होती तो एक मिनट लगती ऑर्डर करने का। किस व्यक्ति ने बाबूलाल जी को सस्पेंड किया, किन हालातों के अंदर उसको मजबूर किया कि उस व्यक्ति को सुसाइड करना पड़े, पुलिस का व्यक्ति सुसाइड करे, बड़े दुख की बात है। कितना सताया होगा इन लोगों ने उसको, किस प्रकार के विचार उसके दिल के अंदर आए होंगे, उसको अपना परिवार भी दिखा होगा, अपने बच्चे भी दिखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उसको परेशान किया गया, उसको सताया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसका शोषण किया गया, यही कारण रहा कि उस व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा। ये पुलिस के लिए भी शर्म की बात है। आज गृह मंत्री का जो डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री जी के पास है, उनको पहले दिन आगे आना चाहिए था, लेकिन ये लोग हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारा जो दुख है, उसको मानने वाले लोग नहीं। ये घड़ियाली वासी बहा सकते हैं, लेकिन हमारी मदद करने में इनको कोई विश्वास नहीं। मैंने फोन किया था गिगराज जी को, जब आप उदयपुर के अंदर थे, विधानसभा में हंगामा हुआ, तीन बार विधानसभा स्थगित हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई आश्वासन देने की बात नहीं की। यही सरकार का इकबाल है। रोजाना रोजाना राजस्थान के अंदर ये सरकार आने के बाद में 19 महिलाओं के साथ और 27 दलितों के साथ रोजाना मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एट्रोसिटी के रोजाना। ये हालत इस सरकार के अंदर, इस समाज में, और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैंने विधानसभा में कहा कि सरकारों के अंदर डर रहता था, मंत्रियों के अंदर डर रहता था, अधिकारियों के अंदर डर रहता था, और जनता के दिल में बात होती थी कि हमारी बात विधानसभा में उठ जाएगी तो हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये सरकार आने के बाद में 4 दिन से आप धरने पे हैं, इनके कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अखबार में आ जाए, टीवी पे आ जाए, विधानसभा में मामला उठ जाए, इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हो जाते हैं जैसे कान पे जूती रखती हो ना, वो हालत इस सरकार की। कल भिवाड़ी के अंदर मैं गया, भिवाड़ी में 6 महीने पहले, 8 महीने पहले वहां के सांसद थे बालकनाथ जी, जो विधायक का चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कहा था अगर कोई साइकिल भी चोरी कर ले जाए तो मुझे बता देना, मैं सबके राशन कार्ड बंगाल के बनवा दूंगा, जो लोग चोरी करने वाले। लगातार चोरी डकैती हो रही है। परसों व्यापारी की दुकान के अंदर घुसे, उसके परिवार को पीटा, व्यापारी को पीटा, और उन्होंने
उनको रोकने की कोशिश की, गोली चला दी, वो बेचारा व्यापारी मर गया, दो परिवार के लोगों को गोली लगी, पुलिस वहीं पे खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। और अपने साथ बजरी माफियाओं ने हमारे समाज के दलित कांस्टेबल को कुचल के मार दिया, टॉप के अंदर खुशीराम को, कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया। विधानसभा में हमने इस बात को उठाया, ये हालत है। इसलिए इंदिरा जी ने काफी बातें आपको कही है, संविधान को जो कमजोर करने की साजिश है वो इसी प्रकार से है। संविधान को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, संविधान को मानना बंद कर दो ना, अपने आप संविधान खत्म हो गया, वही हालत इन लोगों ने कर रखी है। संविधान को जिस प्रकार से लोग कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रोजाना जो होता है ना एक ईंट निकाल देना मकान की नींव में से, वो काम ये लोग कर रहे हैं। मेरे साथियों मैं ये कहना चाहूंगा, आज तक इतिहास गवाह है, कामयाबी उन्हों की मिली है जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। घर में बैठकर मन में सोचकर कोई जंग नहीं जीती जाती, जंग जीतने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, कंधे से कंधा लगा कर लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई सरकार हमारी हो इनकी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी सरकार अगर न्याय सही नहीं करती है तो संघर्ष हमारा नारा होना चाहिए। बाबा साहब का जो स्लोगन है, तीन बात कही, शिक्षित बनो, उसके साथ उन्होंने कहा संकित रहो, और सबसे अहम चीज थी कि संघर्ष करो। अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हमें दबाने की भी कोशिश होगी। आज जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हम लोगों पे भी करेंगे, आप पे भी करेंगे। हम कोटा में गए, बिजली के खिलाफ, बिजली नहीं आ रही तो उसके खिलाफ हम लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दीजिए। कितने मुकदमे दर्ज करो, आज अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ छापता है पत्रकार को बंद कर देते हैं,